आज हम देखेंगे स्मिट ट्रिगर। स्मिट ट्रिगर कन्वर्ट्स करता है इरेगुलर शेप ऑफ वेवफॉर्म टू द स्क्वायर वेव पल्स वेवफॉर्म। इरेगुलर शेप ऑफ वेवफॉर्म साइन वेव और इरेगुलर शेप ऑफ वेवफॉर्म कन्वर्ट्स इनटू द स्क्वायर फॉर्म ऑफ वेवफॉर्म। स्मिट ट्रिगर इज ऑल्सो नोन एज द स्क्वायरिंग सर्किट फॉर दिस पर्पज। अगर आउटपुट हमें स्क्वायर वेवफॉर्म मिल रहा है तो स्मिट ट्रिगर को हम स्क्वायरिंग सर्किट भी बोलते हैं और उसको हम रीजनरेटिव रिपीटर भी बोलते हैं, क्योंकि वो रीजनरेट करता है, वापस रिपीट करता है वेवफॉर्म्स को। इसलिए स्मिट ट्रिगर को हम स्क्वायरिंग सर्किट और रीजनरेटिव रिपीटर भी बोल सकते हैं। द क्लास ऑफ कंपैरेटर्स, द क्लास ऑफ कंपैरेटर जो पॉजिटिव फीडबैक यूज करता है, एक कंपैरेटर जो पॉजिटिव फीडबैक यूज करता है, इसीलिए उसको हम स्मिट ट्रिगर कहते हैं। स्मिट ट्रिगर दो टाइप्स के होते हैं, एक इनवर्टिंग स्मिट ट्रिगर होता है और दूसरा नॉन इनवर्टिंग स्मिट ट्रिगर होता है। इन द इनवर्टिंग स्मिट ट्रिगर इनपुट वोल्टेज, ये ब्लॉक डायग्राम है स्मिट ट्रिगर की, इसमें कंपैरेटर यूज किया गया है जिसको प्लस 15 वोल्ट और माइनस 15 वोल्ट, प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी इज गिवन है। यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक लिया गया है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल से और पॉजिटिव फीडबैक जो लिया गया है वहां पे रेजिस्टर R2 यूज किया गया है। आउटपुट टर्मिनल से RL लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है और इनवर्टिंग टर्मिनल से इनपुट सप्लाई दिया गया है। तो इस स्मिट ट्रिगर में जब इनवर्टिंग स्मिट ट्रिगर हम यूज करते हैं तो इनपुट जो है वो इनवर्टिंग टर्मिनल को देंगे। नेगेटिव मींस इनवर्टिंग टर्मिनल है और पॉजिटिव मींस नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल। तो अगर वी इन इनपुट वोल्टेज हम नेगेटिव टर्मिनल को मतलब इनवर्टिंग टर्मिनल को देते हैं और फीडबैक जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को मतलब नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को देते हैं, तो वोल्टेज जो रेफरेंस है V1, यहाँ पे जो V1 यूज कर रहे हैं वो V1 जो है वो रेफरेंस वोल्टेज एज ए यूज होगा। यहाँ पे जो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल से हमने फीडबैक लूप लिया है वहां पे जो वोल्टेज है दैट इज कॉल्ड अ रेफरेंस वोल्टेज, और ये रेफरेंस वोल्टेज से हम एक वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम V1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो V1 यहाँ पे हो जाएगा R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू द आउटपुट वोल्टेज। वोल्टेज डिवाइडर से हम ये वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगा V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इनटू द आउटपुट वोल्टेज। अब इसकी वजह से हमारे पास दो ट्रिगरिंग वोल्टेज यहाँ पे यूज हो गए। स्मिट ट्रिगर के पास दो ट्रिगरिंग वोल्टेज होते हैं, एक लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज होता है और एक अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज होता है। लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज को हम VLT कहते हैं और अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज को VUT से हम डिनोट करते हैं। तो जो लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज होता है उसका जो वोल्टेज से है वो स्विच होता है माइनस वोल्टेज सैचुरेशन से प्लस वोल्टेज सैचुरेशन में, और जो अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज होता है उसका जो वोल्टेज है वो स्विच होता है पॉजिटिव वोल्टेज सैचुरेशन से नेगेटिव वोल्टेज सैचुरेशन तक। और इन दोनों के बीच में इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो होता है VID। ये जो डिफरेंस वोल्टेज है वो रहता है V रेफरेंस वोल्टेज माइनस V इनपुट वोल्टेज। डिफरेंस वोल्टेज VID इज डिनोटेड बाय V रेफरेंस वोल्टेज माइनस V इन वोल्टेज, और यहाँ पे जो V रेफरेंस वोल्टेज है वो है हमारे पास V1 वोल्टेज है, और जो V1 वोल्टेज है वो कैलकुलेट होता है द रेशियो ऑफ अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज टू द लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज। मतलब V रेफरेंस इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ VUT मतलब अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज टू
VLT मतलब लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज। अब देखेंगे इसका वर्किंग। अगर आउटपुट पे हमें पॉजिटिव सैचुरेशन चाहिए, आउटपुट पे हमें पॉजिटिव सैचुरेशन मतलब इस टाइप ऑफ वेवफॉर्म चाहिए, पॉजिटिव साइकिल चाहिए, तो वोल्टेज अक्रॉस R1, जो वोल्टेज रहेगा R1 के अक्रॉस, उसको हम अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज कहेंगे। और ये अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज इससे हमेशा बड़ा रहेगा। अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज हमेशा बड़ा रहेगा जब हमें आउटपुट वोल्टेज में पॉजिटिव सैचुरेशन मिलेगा। और ये आउटपुट हमें पॉजिटिव सैचुरेशन से नेगेटिव सैचुरेशन में स्विच करेगा। इसके लिए यहाँ पे VUT के लिए हम यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर से फॉर्मूला लिखेंगे, VUT इज इक्वल टू R1 upon R1 plus R2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव वी सैचुरेशन। अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर से हम फाइंड आउट करेंगे R1 divided by R1 plus R2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव वी सैचुरेशन। वैसे ही जब आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज हमें नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा, तब इनपुट वोल्टेज हमेशा लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज से बड़ा रहेगा। जब आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा तब ये इनपुट वोल्टेज हमेशा ये लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज से बड़ा रहेगा, तब जाके हमें आउटपुट में माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा और वो स्विच होगा माइनस से प्लस वी सैचुरेशन तक, माइनस सैचुरेशन से प्लस वी सैचुरेशन तक वो स्विच होगा। इसीलिए लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज का फॉर्मूला हम लिखेंगे R1 upon R1 plus R2 मल्टीप्लाई बाय माइनस वी सैचुरेशन। इसी तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं वी इनपुट, अगर वी इनपुट हमेशा अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज से अगर बड़ा रहा, V1 यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज है, वो अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज लेंगे और लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज लेंगे। जब अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज से वी इनपुट हमारा बड़ा रहा, वी इनपुट ये अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज, ये अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज है, इससे अगर इनपुट हमारा यहाँ पे बड़ा रहा तो आउटपुट हमें माइनस वी सैचुरेशन मिलेगा। और जब वी इनपुट वी एलटी से लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज से बड़ा रहा, वी इनपुट लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज से बड़ा रहा, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव सैचुरेशन मिलेगा। और यहाँ पे जो ROM यूज किया गया है वो है R1 parallel to R2, R1 और R2 का दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट द ROM, एंड इट इज यूज्ड हियर टू मिनिमाइज द ऑफसेट प्रॉब्लम। जो भी सर्किट में ऑफसेट प्रॉब्लम आता है उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे ROM यूज किया गया है, और ROM की वैल्यू हमेशा रहती है R1 parallel to R2। ड्यू टू दिस ये पॉजिटिव फीडबैक, जो हमने पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पे यूज किया गया है कंपैरेटर में, उसकी वजह से एक हिस्टेरिसिस लूप एग्जिट होता है, एग्जिबिट होता है, और ये है वो हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप तब फॉर्म होता है जब वहां पे डेड जोन होता है और डेड बैंड होता है। डेड जोन और डेड बैंड जब कंडीशन आती है तब उस लूप को हम हिस्टेरिसिस लूप कहते हैं। तो हिस्टेरिसिस लूप डेड बैंड और डेड जोन कंडीशन तब आती है जब लोअर ट्रिगरिंग वोल्टेज VLT ये लेस देन टू VIN रहता है और VIN लेस देन टू V अपर ट्रिगरिंग वोल्टेज रहता है, तब जाके डेड बैंड कंडीशन अराइज होती है। और हिस्टेरिसिस लूप फाइंड आउट करते हैं
it is the difference between the upper triggering voltage to lower triggering voltage. Hysteresis loop हमेशा इस formula से find out करते हैं कि दोनों का difference upper triggering voltage minus lower triggering voltage. ये होता है hysteresis loop. ये हुआ हमारा Smith trigger और इसका working.